कहने का मतलब अब उस किसी ने रचना इतनी बड़ी की है तो उसको अंजाम तक तो वो पहुंचे ना, इसलिए इनकी कीमत कैसे बढ़ रही है, बस ये बात है। ये किस तरीके से घटना हुई है, कुछ जानकारी है आपको? हम अंदर थे और ये हमारे हस्बैंड है, तो ये अपने ऑफिस से आए थे। ऑफिस से आने के बाद जैसे कि गाड़ी खोल के बाहर निकले तो गोली ही चली सीने के पास, एक गोली सीने के पास लगी और दो गोली पीछे लग के आर पार हो गई है। अब पीछे से कोई मारा, आगे से जब मैं बाहर आई थी हाथ देके चिल्ला रहे थे। कितने लोग थे, काहे से आए थे? ये नहीं देखे हम, कम से कम 8-9 लोग वहाँ पे थे। किस चीज से आए थे ये नहीं देखे हैं। अच्छा, क्या पुरानी कोई रंजिश थी आपके हस्बैंड से जिसके जी, चलते ये सब गोली हम नहीं चली जानते है? हम इन सब चीजें नहीं जानते हैं। फिलहाल अभी जो आपके हस्बैंड है उनकी तबीयत डॉक्टर जो देख रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया? पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस ने कुछ आपको हुई है? बात हुई है पुलिस से, खतरे से बाहर है। और कोई पुरानी रंजिश कुछ ऐसा? और हमारे परिवार को मारने की धमकी भी दी है कि हाँ सबको एक एक करके मारेंगे। कौन लोग हैं जिन्होंने धमकी दी है? ये नहीं जानते कौन है पर धमकी दी है उन्होंने। जमीन के विवाद में ये सब करते हैं या कोई और पारिवारिक रंजिश? नहीं, हम इतना ही जानते हैं, बस जब से ये बाहर निकले गाड़ी से तभी हुआ है, उसके बाद हम नहीं जानते। जो लोग हैं वो आप ही के इलाके के रहने वाले हैं या कहीं? जी जी जी। क्या उनका नाम वाम कुछ आपको पता नहीं है? हम नहीं जानते, अभी मेरी शादी को 2 महीना हुआ है, हम इन सब ज्यादा इन सब चीजें नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? इशरत अली है मेरा नाम। ये जो किसको गोली लगी वो आपके कौन है? मेरा छोटा भाई सहनशाह। सहनशाह है, क्या मामला, किस तरीके से गोली लगी और कौन लोग थे, कहाँ पर गोली मारी? मुझे ये जानकारी नहीं, और जब ये हम 11:15 के आसपास हम घर गए, माँ के पास बैठे थे, इसका यही टाइम है आने का, 11:30 ही डेली आता है काम से अपने। उसके बाद में जो है हम चले गए खाना खाने, खाना खा के जैसे ही घर पे मतलब लेटे हुए लेट गए थे, तब तक जो है करीब वो 11:50 हो गया, तो अम्मा तो तुरंत फोन आया कि सहनशाह को जो है किसी ने 3 गोली मार दी। भैया रोते हुए चिल्लाते हुए मेरे पास जो है फोन किया, तो हम आए और आने के बाद तुरंत जो है गाड़ी स्टार्ट किया, उसी जिस गाड़ी से आए थे उसी गाड़ी को तुरंत स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो है मतलब हम उनको जैसे बैठा ले किसी तरीके से, सब लोग 4-5 लोग मिलके और बैठा के लेडीज उडीज मिलके साथ में। कहाँ पे गोली लगी तुमको, किस जगह गोली? एक सीने पे लगी है, शायद अभी मेरी जानकारी नहीं, तो सीने पे लगी है और पीठ पीछे 2 लगी है, एक कंधे पे। जो आपके भाई थे जब आप उनको लेके आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने किसी का नाम बताया, किसी का आरोप लगाया? हाँ, उसने ये कहा कि भैया हमको बहुत दर्द हो रहा है, अगर हम जो है नहीं बचते हैं मर जाते हैं तो सहनशाह को, सॉरी उसको अनिल कुमार को। अनिल कुमार कौन? अनिल कुमार गांव के रहने वाले हैं, क्या है? राजकमल, ये मतलब जो है सचिवालय में नौकरी करते हैं, राजकमल नाम बताया है, अनिल कुमार बताया है, और पूर्व जिला पंचायत मनसाराम। इन तीन लोगों को मत छोड़ना भैया। पूर्व जिला पंचायत जो है किस पार्टी की? मनसाराम। किस पार्टी की? पार्टी हमको नहीं पता है, मतलब जो है पूर्व जिला पंचायत रहा है, ग्राम प्रधान की तरफ से। क्या आपको आश्वासन मिला, तबियत कैसी है? अभी चल रहा है इलाज, उसकी सब हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। कितने लोग आए थे और किस चीज से आए थे वो लोग? अब हमको ये जानकारी नहीं, हम बता रहे खाना खाने के लिए घर चले गए जैसे ही मतलब लेटे हुए थे। परिवार वालों ने कुछ बताया घर से निकले तो कितने लोग घर से? जैसे सब ऐसी कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि क्या कर सकता है, ऐसी कंडीशन में आदमी तुरंत ताबड़तोड़ लेके भागो किस तरीके से जान बचे। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको कि यहाँ पर? डॉक्टर ने जब ला करके यहाँ एडमिट करा दिया है, वहाँ पे चल रहा है ट्रीटमेंट। आपके भैया किस चीज का काम करते थे? ये मतलब जो एसपी सिंह है, प्रॉपर्टी डीलर है, उन्हीं के साथ में रहते हैं।